भोपाल से कांग्रेस नेता मोहम्मद शावर ने कहा कि ऐशबाग स्टेडियम हॉकी की नर्सरी के नाम से जाना जाता था और इस ओर मध्य प्रदेश सरकार का कोई ध्यान नहीं है। पूर्व की सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा था वह अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है। मेरा खेल विभाग के अधिकारी से और मध्य प्रदेश शासन से निवेदन है कि इस ओर ध्यान दिया जाए। इस स्टेडियम में जो रिपेयरिंग का कार्य है उसे सरकार द्वारा जल्द से जल्द कराया जाए ताकि भविष्य में कोई दुर्घटना घटित ना हो सके। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। देखिए, ऐशबाग हॉकी स्टेडियम जो हॉकी की नर्सरी के नाम से जाना जाता था, आज बड़ी दुख की बात है कि इस ओर मध्य प्रदेश सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इसके लिए बहुत प्रयास हम लोगों द्वारा किए गए, पूर्व की सरकार ने जो प्रस्ताव भिजाया था उसको स्वीकृत नहीं किया गया अभी तक, और किसी दिन भी कोई बड़ी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। यहाँ पर हॉकी खेलते हैं लोग और इस ओर शासन को ध्यान देना चाहिए। खेल विभाग पूरी तरीके से मौन है और मैं ये चाहता हूँ कि इस ओर सरकार ध्यान देकर इसमें जो भी रिपेयरिंग का कार्य है उसको कराया जाए ताकि भोपाल की नर्सरी हॉकी एक तरीके से फिर से जिंदा रह सके और यहाँ पर जो युवा आज हॉकी से महरूम है वो हॉकी का एक बहुत बड़ा नाम ऐशबाग हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। प्रदेश के जो मुख्यमंत्री खेल के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं मगर उनका ऐशबाग हॉकी स्टेडियम की ओर कोई ध्यान नहीं है। मेरा उनसे निवेदन है और खेल विभाग से निवेदन है कि इस हॉकी स्टेडियम की ओर ध्यान करें ताकि यहाँ के क्षेत्रवासियों को और जो हॉकी प्रेमी है भोपाल, जो हॉकी ऐशबाग जिस नाम से जाना जा सकता है जाता है, उसके लिए बेहतर अच्छे से अच्छा काम कर इसकी जो एस्को ड्रफ अंदर की वो भी ख़राब पड़ी हुई है। बहुत सी सारी दिक्कतों का सामना लोगों को यहाँ करना पड़ता है और एक बहुत प्रसिद्ध जगह है भोपाल का हॉकी स्टेडियम। मेरा निवेदन है मध्य प्रदेश की सरकार और उनके मुखिया शिवराज जी से, खेल मंत्री जी से और पूरे खेल विभाग से कि इस ओर ध्यान दें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।